सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। सो लेट्स डिस्कस आज के जो हिंदू के टॉपिक्स हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, पूरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। एंड एक तो जैसे कल आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बारे में पूरा कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इस पर और भी आर्टिकल्स आएंगे अभी, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट एज वेल। ये एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, वी विल डिस्कस अबाउट लीगो। ये साइंस का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विद साइंस, दिस इज साइंस टॉपिक। देन वी हैव अनदर टॉपिक, और ये टॉपिक आपका जो है आईएफए के ऊपर है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक टॉपिक आपका ये है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरा लीगो है, तीसरा एक टॉपिक आईएफए के ऊपर है। ये टॉपिक ही आपके पूरे एडिटोरियल के अंदर, सैटरडे को एक्सप्लेनर सीरीज नहीं आती है, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर। फिर एक टॉपिक आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, यू हैव वन मोर टॉपिक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देन वी विल डिस्क, ये साइंस का टॉपिक है, इस पर जीनोम सिक्वेंसिंग एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक ये टॉपिक आपका आता है वेस्ट बैंक के कंटेक्स्ट में, इस पर थोड़ी कुछ चीज़ें मैपिंग है वर्ल्ड मैपिंग के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस। तो एक तरफ आपका इसराइल, इसराइल के कंटेक्स्ट में उसकी मैपिंग देखेंगे, और एक ताइवान का देखेंगे, क्योंकि मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के टॉपिक के जो डिस्कस करेंगे। तो वी हैव अ मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी, लीगो, साइंस, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी, एंड देन यू हैव अ मेन्स टॉपिक, देन वी हैव अ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और प्रीलिम्स का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले ये क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर फोटोवोल्टाइक। इंडियन सोलर फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशंस आर डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सी एस आई टेक्नोलॉजी। दूसरा, इंडिया हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट। तीसरा, इन इंडिया ओनली अबाउट 20% ऑफ द सोलर पीवी वेस्ट इज रिकवर्ड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड इनफॉर्मली। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला आपका 1 एंड 2, दूसरा 1 एंड 3, तीसरा 1, 2 एंड 3, और चौथा स्टेटमेंट है दैट इज 2 एंड 3। तो ये चारों स्टेटमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जो आंसर वो आप लोग जरूर से दें। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, जैसे मान लो इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, और बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे भी प्रीलिम्स के प्रश्न आते हैं। तो आपका मंडे टू सैटरडे होता है 7 बजे, इंग्लिश में है 7 बजे होता है, तो 8 टॉपिक हो गए, तो 8 × 6 ले लो, 8 × 6 = 48, ठीक है, × 4 ले लो और × 15, 1.5 साल के टॉपिक्स आपके लगभग इतने हो जाएंगे, 1500 से 1600 के ऊपर हो जाएंगे। और वो टॉपिक्स ऐसे होंगे कि आप किसी भी उससे कंपेयर करोगे ना, तो वो कंटेंट को आप मैच नहीं कर सकते हैं, मतलब क्योंकि डेली बेसिस के 8-8 टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, अल्टीमेट आपका जो आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर आपको इधर उधर फिर लास्ट में एग्जाम से पहले नहीं जाना पड़ेगा। तो उसको अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूर से थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, ये मेंस का प्रश्न है। बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न मैंने बना दिया है, क्योंकि आज के टॉपिक्स देखा जाए तो एक जीनोम सीक्वेंसिंग ही है जिसपे प्रश्न जो है वो बन सकता था। तो ये एक है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जीएस पेपर 3 का, इकोनॉमी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अभी जैसे कल हेडलाइंस आया था, मैंने कहा था आपको कि खाली हेडलाइंस नहीं करना है, हेडलाइंस करने से आपका नोट्स बस ऐड ऑन होते चले जाते हैं, हमें ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को जो है देखना है, ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव है उससे चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। तो वो कहाँ पे आता है, आपका एडिटोरियल, एडिटोरियल जैसी चीज़ों पर आपका आता है, या कॉलम है वहाँ पर आपका आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है, तो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रेम होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, पहली चीज़ जो हमें जानना है कि पहली चीज़ जो हमें जानना है दैट इज रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें यू हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करती है, जो मनी सप्लाई, शॉर्ट जो मनी सप्लाई है, उस मनी सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी के जो आपके आप कह सकते हैं नॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट है ना, रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या होता है कि अगर किसी बैंक को
आरबीआई से उधारी लेना है तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक पे करेगा वो रेपो रेट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक बैंक है, एक बैंक ए है, उसको पैसा तुरंत चाहिए और वो सेंट्रल बैंक से उधारी ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट रेट ए को देना पड़ेगा उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जनरली ये होता है। सपोज करो रेपो रेट बहुत हाई है, तो ऐसी स्थिति में ये बैंक उधारी लेने से बचेगा और जो भी इसके पास पैसे होंगे उस पैसे को बैंक अपने पास रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मेरे पैसे कम पड़ गए तो मुझे आरबीआई से लेना पड़ेगा और रेपो रेट जो है थोड़ा महंगा, इसलिए अभी लेना सही नहीं है। और यही अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए तो बैंक क्या करेगा, मिनिमम अमाउंट अपने पास रखेगा। सपोज बैंक के पास 100 रुपये है तो वो अपना थोड़े बहुत चीज़ें CRR और SLR हटा के थोड़े बहुत करके और सारा पैसा वो जो है लोन पे दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रेपो रेट क्योंकि कम है तो RBI से ले लेगा। तो कुल मिला के जैसे ये जो तरीके होते हैं, जैसे मान लो रेपो रेट कम कर दिया गया तो इससे क्या होगा कि सपोज करो कोई इंडस्ट्री है या इंडिविजुअल है, कोई भी है, इंडस्ट्री है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, वो क्या करेगा, जैसे उसको अगर लोन की ज़रूरत होगा तो बैंक उसको लोन आसानी से प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेपो रेट कम है तो RBI से वो उधारी ले सकता है। इससे क्या है, इंडस्ट्रीज़ को पैसा आसानी से मिलेगा तो जो ग्रोथ के लिए सही होगा, और इंडिविजुअल को चाहिए तो मान लो उसको घर खरीदना है कुछ इस तरीके से तो आसानी से उसको लोन मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस आपका होता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब हम बात करते हैं, when you talk about aspect like for example, कि जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी क्या किया गया है कि जो रेपो रेट है आपका, उस रेपो रेट को, रेपो रेट है जो आपका, उस रेपो रेट को क्या किया गया, अनचेंज किया गया। रेपो रेट आपका क्या है, दैट इज अनचेंज है, अभी अनचेंज रखा गया। जैसे जब भी रेपो रेट डिसाइड करते तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तरफ होता है महंगाई और दूसरी तरफ जो फैक्टर जो होता है वो ग्रोथ होता है, ठीक है। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, जैसे लगातार 2 बार से यही हो रहा था, रेपो रेट को बढ़ाया गया, रेपो रेट को बढ़ाया गया, इससे क्या हुआ, लोन महंगा हो गया। लोन अगर महंगा हो गया तो बैंक पैसा लोगों को कम देगा, इससे क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो क्या होगी, मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो डिमांड रिड्यूस होगा, डिमांड रिड्यूस होगा तो क्या होगा, इससे जो आपकी महंगाई है वो कम होगी। क्योंकि महंगाई क्या है, महंगाई बेसिकली जब आपकी डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है, डिमांड और जो सप्लाई के बीच का जो गैप है वो आपका हायर होगा, तब हम ये कहते हैं व्हेन यू हैव हायर, तो देन वी से कि ये जो है, जब डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो आपका हायर होगा, देन वी से कि यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। देन वी से कि यहाँ पे लाइक देन वी से कि आपका इन्फ्लेशन, तो दूसरी ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या समझना है, जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि देखो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, एक इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो मान लो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर में हम हर चीज वो इंक्लूड करते हैं जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप क्रिएट कर दे, कि लोगों के पास पैसा है, मनी है तो डिमांड ज़्यादा होगी यह हम मानते हैं, सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन का होगा। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे वॉर है पैंडमिक है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जिससे कि कई सारे जो क्लाइमेट चेंज है, तो मान लो ग्लोबल वार्मिंग है तो इससे क्या है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो रिड्यूस आपका हो जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी विल बी अफेक्टेड। तो ये चीज़ आप याद रखो, वॉर है, पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब आप ये समझो कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगी तो उसके माध्यम से वो मनी सप्लाई ही तो कंट्रोल कर सकती है। अब मनी सप्लाई अगर वो कंट्रोल करेगी तो वो इस फैक्टर को टैकल कर सकती है, इस फैक्टर को टैकल नहीं कर सकती है। अब जो है RBI मॉनेटरी पॉलिसी से वॉर का कुछ नहीं कर सकती, पैंडमिक का कुछ नहीं कर सकती, क्लाइमेट चेंज का कुछ नहीं कर सकती है, कि मान लो क्लाइमेट चेंज है, बहुत गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, और उसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो फूड प्रोडक्शन आपका बहुत इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है रिड्यूस हो गया, तो इससे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो फूड ग्रेन्स की है दैट विल बी
रिड्यूस्ड, वो आपकी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को आरबीआई अपने पॉलिसी के माध्यम से नहीं कंट्रोल कर सकती। जैसे ये कहा गया कि इस साल एलनीनो ईयर होगा, जब एलनीनो ईयर होगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है व्हेन यू हैव एलनीनो ईयर, तो एलनीनो ईयर जब आपका होगा तो फिर उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून की डेफिशिएंसी होगी, मानसून कम होगा तो आपकी खेती अफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, तो इससे फिर क्या होगा कि डिमांड तो उतनी ही रहेगी, सप्लाई फूड ग्रेन की रिड्यूस हो जाएगी और फिर ये महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो चैलेंज आज के समय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के जो आप कह सकते हो रेलिवेंस रिड्यूस थोड़ा क्यों हो रहा है आज के समय में देखा जाए, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का जो रोल है इन्फ्लेशन के अंदर वो बहुत अधिक बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है उसका जो रोल है इन्फ्लेशन के ऊपर वो फैक्टर वो बहुत अधिक बढ़ चुका है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, दूसरा एंगल हमें क्या समझना है कि यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ती हैं आरबीआई को। ठीक है, दो चीजें देखनी है, एक तो होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर क्या है कि मान लो जो इन्फ्लेशन है वो 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 6% से 2% के बीच में आपका होना चाहिए, 6% से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आरबीआई को एज पर द जो एग्रीमेंट है आरबीआई सरकार के बीच में, आरबीआई को फिर उसका पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है, रिकमेंडेशन देना पड़ता है और उसको इंप्लीमेंट करके इन्फ्लेशन को रोकना पड़ता है। ये चीजें हैं, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बन जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक रोल होता है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ कब होगा, जब आपकी इंडस्ट्रीज हैं, मान लो इंडस्ट्रीज हैं वो सेट हो रही हैं, इंडस्ट्रीज हैं वो सेट हो रही हैं, है ना, इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी है आगे बढ़ रहा है, तो फिर आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपका इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। अब आप इस चीज को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप समझो कि ध्यान से समझना कि जब हम बात करते हैं एक तरफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती चली जाएगी, ये सोच के ध्यान समझना क्योंकि सारा आर्गुमेंट इसी में है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती चली जाएगी ये सोच के कि वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दे। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से है, लेकिन अब आरबीआई के पास और कोई टूल तो है नहीं, महंगाई दिखा, जैसे ही महंगाई दिखा तो रेपो रेट बढ़ा दिया, यही उसके पास टूल है। अब इस वजह से क्या होगा कि जो लोन है इंडस्ट्रीज को, जो लोन है वो बहुत महंगे हो जाएंगे। जब लोन बहुत महंगे हो जाएंगे तो इंडस्ट्रीज अपने प्रोजेक्ट्स को डिले करती चली जाएगी, क्योंकि अपने जेब से तो पैसा लगता नहीं, लोग तो लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी है, जो भी कंपनी है वो सेटअप करते हैं तो उसी माध्यम से होता है। तो जब आपका लोन महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को डिले करेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी रिड्यूस होंगी। लोगों के पास पैसा नहीं, नौकरी नहीं है, तो डिमांड इकोनॉमी के अंदर जो क्या होगी, दैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस, और इससे जो आपका जीडीपी है दैट जीडीपी विल ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होगा उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो जीडीपी रिड्यूस होगी, तो इससे आपका ग्रोथ अफेक्ट होगा। तो आप ये समझो कि रेपो रेट के माध्यम से जो इस फैक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इससे ये भी फैक्टर कंट्रोल किया जा रहा था, अफेक्ट हो रहा था। तो इसीलिए आरबीआई ने दो बार तो रेपो रेट बढ़ा दी, लेकिन तीसरी बार जो है उसने उसको अनचेंज रखा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने और बढ़ा दिया ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ऐसे हो जाएगी कि इन्फ्लेशन तो देखो इतना कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके बढ़ाने की वजह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी आपका अफेक्ट हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो भी चला जाएगा, तो दैट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, पीडीएफ आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आर यू एबल टू डाउनलोड द पीडीएफ, कल मैंने फर्स्ट से लेके सिक्स तक, सिक्स मार्च तक के माइंड मैप्स आप लोगों से शेयर कर दिया है, ग्रुप में मैंने डाल दिया है, फर्स्ट से लेके सिक्स तक के जो माइंड मैप्स हैं वो आपको डाल दिया ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है उसको जो है आप गो थ्रू हो जाओ, उसको डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप उसको ज्वाइन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको सारा जो भी है मतलब पीडीएफ और वो सब कुछ वहीं मिलता है, यू हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड द पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोग जरूर से डाउनलोड करो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं लीगो।
ठीक है, लीगो के ऊपर है, साइंस टेक का है। तो क्योंकि अभी जो क्या इस पर और भी आर्टिकल आएंगे संडे को, इस पर ग्रेविटेशनल वेव्स और लीगो के बारे में जरूर से कुछ ना कुछ, इस संडे को तो नहीं, संडे तो इसी कल ही है, नेक्स्ट संडे तक जरूर से इस पूरा का पूरा जैसे जो कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर और लीगो के ऊपर एक्सप्लेनर सीरीज में आप देखना, जरूर से आर्टिकल आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो है कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ये साइंस का टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बिल्कुल जो प्रश्न है वो आपके फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे देखो क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है। देखो क्या होता है, एक टर्म यूज होता है दैट वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ग्रेविटेशनल वेव्स और ग्रेविटेशनल लेंसिंग दो टर्म यूज होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स और एक शब्द और यूज होता है दैट वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, पहले वेव्स समझो। देखो कोई भी बॉडी है ना जिसके पास मास है, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है स्टार है, ठीक है, प्लैनेट है, स्टार है, एस्टेरॉइड है, किसी की भी बात आप करोगे तो ये क्या है, दे जनरेट जब दो बॉडी बड़ी जिनके मास होता है जब वो क्लोज आते हैं तो दे जनरेट ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होने का फैक्टर क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी आप कह सकते हो, जो है जो दो बॉडीज के बीच में प्रेजेंट है, टू मासेस हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, दैट ग्रेविटेशनल वेव्स इज जनरेटेड। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो आपकी जनरेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना। अब जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स की जब हम बात करते हैं, वी नू टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब इस ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या है कि बहुत ही माइन्यूट होती है, इसको डिटेक्ट करना जरूरी है, तो इसके लिए हमने कई सारी ऑब्जर्वेटरी बना रखी है, क्योंकि इसको डिटेक्ट करने से हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है, तो जैसे मान लो इसी प्रकार की जो एक ऑब्जर्वेटरी वो लीगो है, इसी प्रकार की अभी हमने अपने देश में भी जो ऑब्जर्वेटरी है उसको भी अप्रूव किया है, उसके लिए सरकार ने पैसा अप्रूव किया है, तो ये इसलिए चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो लीगो है, आई थिंक यूएसए के अंदर है, इसी तरीके से हमने अपने देश में जो ऑब्जर्वेटरी है उसको जो है अप्रूव किया, सरकार ने उसके लिए पैसा दिया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाया जाए और फर्दर जो है जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप किया जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप किया जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो ये ऑब्जर्वेटरी है उसको डेवलप किया जा रहा है, उससे फिर हमारी जो साइंस का नॉलेज है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में हम जानेंगे, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक टर्म मैंने आपको यूज़ कर लिया, दैट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। व्हाट बेसिकली इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग? ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग? यहाँ पे ये क्या है, ये थोड़ा समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो पहली चीज ये समझो कि जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक थोड़ा शब्द मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके की गैलेक्सी है, सपोज करो दिस इज गैलेक्सी 1 जो कि बहुत दूर है, इसके बीच में एक और बड़ी सी एक और गैलेक्सी पड़ती है, सपोज करो दिस इज गैलेक्सी, ये 2 है, और यहां पे मान लो अर्थ है, दिस इज अर्थ। अब क्या होता है कि अर्थ में कोई टेलीस्कोप लगा हुआ है, उस टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करना है इसको, है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स जो मतलब उसको ऑब्जर्व करना है इसको, इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग? ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या कहता है, का कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसे जब एक सेम साइट में हो, जैसे मान लो ये गैलेक्सी साइट में है, ये गैलेक्सी सेम साइट में है और अर्थ तीनों एक ही साइट में है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फेनोमेना देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा कि जो लाइट इस गैलेक्सी से निकलेगी, ठीक है, जो लाइट इस गैलेक्सी से निकलेगी बाहर की तरफ निकलेगी, दिस लाइट विल बी डिस्टॉर्टेड, ये शब्द याद रखना, द लाइट विल बी डिस्टॉर्टेड एंड मैग्नीफाइड, लाइट विल बी डिस्टॉर्टेड एंड मैग्नीफाइड। व्हाई? because of the gravitational force or gravity of this galaxy। तो इसका मतलब क्या हो कि जो light है, this light get amplified,
मतलब जो लाइट यहाँ से बहुत ही बारीक सी आ रही है वो लाइट और ज़्यादा दिखने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द दिस गैलेक्सी। और यहाँ से हम इजीली ये, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, इससे फिर हम इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे लेंस होता है ना, कोई चीज़ आप ऐसे करके देखते हो तो छोटी चीज़ भी बड़ी दिखने लगती है, ठीक है, छोटी चीज़ भी क्या है, बड़ी दिखने लगती है। तो छोटी चीज़ जो है बड़ी क्यों दिखने लगती है लेंस के माध्यम से, तो वहाँ कोई लेंस नहीं लगा हुआ, बट ये जो फेनोमेना होता है बिकॉज ऑफ विच द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो लाइट है, लाइट गेट डिस्टॉर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, लाइट जो है वो डिस्टॉर्ट और मैग्नीफाई हो जाती है, जिससे कि हम दूसरी जो गैलेक्सी उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट वी कॉल दिस टर्म एज ग्रेविटेशनल, दिस फेनोमेना एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिस पर प्रश्न बिल्कुल फ्रेम आपके लिए हो सकता है। तो अभी जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो ये जैसा मान लो ये ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, इनका काम क्या है, दे विल ऑब्जर्व, ये क्या है, दे विल ऑब्जर्व ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, दे विल ऑब्जर्व ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उसको जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी जैसे मान लो ग्रेविटेशनल डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र के अंदर सेटअप किया है, 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें क्या है, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लीगो है ना, कंसिस्ट ऑफ अ डिटेक्टर कॉल्ड एज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। अब यहाँ पे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए जाएंगे, जैसे मान लो लीगो आपका यूएस के अंदर इसी तरीके से डेवलप किया जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, नए तरीके की एस्ट्रोनॉमी जो है शुरू होगी। कमेंट सेक्शन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी, ये बताना जरूर से कमेंट सेक्शन में, और कौन सा टेलीस्कोप है जो इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी क्या है, कौन सा टेलीस्कोप इसको करता है। तो यहाँ पे देखो, लीगो इंडिया ने डेमोस्ट्रेट किया है कि यहाँ पे लीगो इंडिया ने डेमोस्ट्रेट किया है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल साइंस से रिलेशनशिप एंड ऑल, मतलब ये जब आपकी ये बन जाएगा, फैसिलिटी बनेगी, तो इट विल ऑल्सो प्रमोट साइंस, सोसाइटी साइंस का लिंकेज आपका होगा, और ये कई प्रकार की जो लाइक फॉर एग्जांपल इट विल डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स जो फेनोमेना है इसका इस्तेमाल करके। एंड हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, दीज ग्रेविटेशनल वेव्स आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये हिस्सा नहीं है, दे आर सेपरेट, ठीक है, ये क्या है, ये सेपरेट है। मतलब मान लो जैसे आपके पास होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जैसे एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड, यूवी लाइट, ये सब जो होता है, ये आपका क्या है, ये आपका अगर जो है आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ग्रेविटेशनल वेव्स इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये ध्यान रखना, इट्स एन इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट, ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट है, ध्यान रखना। एंड दीज ग्रेविटेशनल वेव्स विल बी डिटेक्टेड बाय दीज ऑब्जर्वेटरी, जैसे लीगो इंडिया या लीगो यूएस जैसे हम कहते हैं, जिसके लिए किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी, और ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, बट हम क्योंकि बहुत टेक्निकल आर्गुमेंट्स है इसमें, तो टेक्निकल आर्गुमेंट्स तो हमें कर ही नहीं करना है, बट इसमें हमें एक दो बातें जाननी है। एक तो हमें IFA के बारे में जानना है, दूसरा ISDS के बारे में जानना है, दो चीज़ें हैं दैट वी शुड नो, वन इज़ IFA और दूसरा जो है ISDS। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेशल इशू हो पब्लिश होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आप पूरा उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करो तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो संडे का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत अधिक प्रश्न चाहे प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, वो भी आपके न्यूज़पेपर अगर आप 1.5-2 साल अच्छे से कवर करो संडे का इशू, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, इसको ध्यान में जो है रखना है। सो यहाँ पे IFA नेगोशिएशन पे इन्होंने बहुत सारे टेक्निकल आर्गूमेंट्स दिए, वो टेक्निकल आर्गूमेंट हमें नहीं देखना, हमें IFA के बारे में जानना है, और जैसे और दूसरे जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उसको देखते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट आपको दे देता हूँ, उसके बाद यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है। देखो सपोज करो यू हैव कंट्री ए, ठीक है, और कई लोग हैं, जैसे मान लो एक्स वाई जेड जो है वो इन्वेस्टर है, XYZ इसने, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं। तो कंट्री ए है, मान लो ये कंट्री है, ए है, ये कंट्री ने एक पॉलिसी डिसाइड की कि मैं ये पॉलिसी बना रहा हूँ,
कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी जो भी देना है उसने दे दी। तो इस पॉलिसी को देख के एक्स ने यहाँ पे, इसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे इसने इन्वेस्ट कर दिया तो ये पॉलिसी बदल दिए या कुछ इस तरीके से किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी बहुत सी स्थिति आती है जहाँ पे स्टेट और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में डिस्प्यूट आ जाए, मतलब जिस देश में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्लस जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बीच में डिस्प्यूट आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके माध्यम से इसको आप डील कर सको। तो इंडिया जैसे जो फॉलो करता है वो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को फॉलो करता है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है कि मान लो सपोज करो कोई देश है उसके साथ हमने, हमें यह है कि उस देश से बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहा है, तो दोनों देश मिलके क्या है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किए, उसमें सारे प्रोविजन है, सारे क्लॉज हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम किस प्रकार से टैकल करेंगे, ये सारी चीजें आपकी दी रहती है। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लगभग 100 देश इसको बैक कर रहे हैं जिसमें इंडिया हिस्सा नहीं है। एंड क्योंकि ये जो IFA है ये लीगल बाइंडिंग प्रोविजन क्रिएट करेगा, लीगल बाइंडिंग प्रोविजन क्रिएट करेगा, और इंडिया बिलीव करता है कि वी शुड मूव लाइक, मतलब वो इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर जो पाथ है उसको वो फॉलो करता है, क्योंकि फिर आप एक किसी एक बड़े संस्था को हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आपको वहाँ के सारे क्लॉज और प्रोविजंस को मानना जो है वो पड़ता है। तो एग्रीमेंट क्या अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे यू हैव अ लाइक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जिसके माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं होस्ट स्टेट के खिलाफ, अगर मान लो कुछ भी ट्रीटी पहले से कुछ है प्रोविजंस है और उसको नहीं माना गया तो उसमें फिर जो है केस दर्ज किया जा सकता है, और उसमें फिर फर्दर आपको कैसे रिजॉल्व करना है उसका प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट है ISDS जिसे हम कहते हैं, वो एक चीज अवेलेबल होता है, और IFA जो है वो भी इस चीज को फैसिलिटेट आपका करेगा। जो आपका अभी कैन से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है दैट विल ऑल्सो फैसिलिटेट इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट एज वेल। इंडिया पार्टी IFA का नेगोशिएशन का नहीं है बिकॉज फॉरन इन्वेस्टर्स कुड यूज अ फ्यूचर IFA टू ब्रिंग क्लेम अंडर द एग्जिस्टिंग बिट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक बात ये भी है, जैसे ऑलरेडी इंडिया ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कई देशों से साइन कर रखे हैं कई लेवल पे, क्योंकि बायलेटरल है तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी रखता है सामने। अब कई सारे ऐसे, मान लो इंडिया IFA का हिस्सा बन जाता है जिसमें एक हम क्लॉज भी लेकर आएंगे जिस पर फाइनलाइज होगा तो इस पर और भी आर्टिकल आएंगे। तो ये जो आपका IFA है इसका इंडिया अगर हिस्सा बनता है तो इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्प्यूट्स हैं जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के माध्यम से रिजॉल्व नहीं हुए या दूसरा पार्टी है उसको किसी प्रकार का ग्रीवेंस है तो वो फिर IFA के माध्यम से सामने लेकर आएंगे। तो इंडिया के लिए थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से इंडिया IFA का हिस्सा नहीं बन रही है, जो आपका ये IFA एग्रीमेंट की बात अगर की जा रही है। अब यहाँ पे जब ISDS की बात करोगे तो ये क्या है, ये मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से राइट टू एक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो देखो ये जो ISDS है, ISDS के माध्यम से क्या होगा कि कोई भी, मान लो कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक देश है सपोज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कोई भी देश आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। अब उस जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहा है ऑस्ट्रेलिया और उस देश के, ऑस्ट्रेलिया और जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है उसके बीच में कोई डिस्प्यूट है। अब उस डिस्प्यूट को अगर देखा जाए तो उस डिस्प्यूट को किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में लेकर जाया जा सकता है, ठीक है, उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए। अब देखो ये चीज अगर इंक्लूड हो जाएगी तो ये इंडिया को भी थोड़ा सा इस पर चिंता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर मानता है, फिर इंडिया खुद भी एक हम जो भी ट्रिब्यूनल का हब भी हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जैसे कई प्रकार के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। बट ISDS फैसिलिटेट करता है कि जो भी ऐसा डिस्प्यूट होगा उसको आप इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर लेकर जा सकते हो, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब भी साइन होता है तो ये ISDS पर भी फोकस किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि दो देश हैं, मान लो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, तो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ट्रेड और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर किसी भी प्रकार का नहीं होगा। टैरिफ बैरियर मतलब किसी प्रकार का जो टैक्स हो ऐसा नहीं लगेगा, नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब ये हो गया कोटा सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया। तो यहाँ पे मतलब स्मूथली दोनों के बीच में व्यापार जो है वो फ्लो करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल, इफ वी हैव टू लाइक फैसिलिटेट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो आपका होगा लाइक जब हम उसके प्रयास करते हैं तो उसमें एक क्लॉज आपका ISDS का भी
आता है, वन आस्पेक्ट इज दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट इज अदरवाइज अ स्टेट टू स्टेट प्रोसेस। जब जैसे जनरली जब भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, जनरली कोई डिस्प्यूट होता है, तो मान लो कोई एक्स कंट्री से है, दूसरा वाई कंट्री से है, तो कंट्रीज के बीच में जो प्रोविजन होते हैं उसके माध्यम से उसको दूर किया जाता है। बट ये चीज क्या है, एक प्राइवेट एंटिटी को पावर प्रोवाइड करता है कि वो अपने राइट के लिए एक देश के साथ डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर सकता है। ये ISDS का है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रखी, जिसमें वो देश, दो देश जो हैं वो देश एग्री करते हैं, वो देश एग्री करते हैं कि अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो हम XYZ प्रोविजन के माध्यम से उसको रिजॉल्व करेंगे। और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो इंडिया ने कई देशों के साथ साइन भी आपके कर रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस ऑन 10,000 जीनोम्स टू बी रेडी फॉर रिसर्च एक्सेस। ये आपका है, तो यहाँ पे ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज लिंक्ड विद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में है। तो देखो यहाँ पे एक शब्द मेंशन है जीनोम। तो जैसे मान लो अगर आपको ये इमेज, अगर आपको इफ यू आर एबल टू सी दिस इमेज, तो इस इमेज को अगर आप देखो, इफ यू विल सी दिस इमेज, तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है, डीएनए की इमेज है, ठीक है। इस डीएनए, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, तो इस डीएनए के सेगमेंट्स को ही जीन्स बोला जाता है, ठीक है, जीन्स बोलते हैं हम। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये कई प्रकार के सिक्वेंसिंग होती है, ATGC एड्रेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन, मतलब ये आप मानो कि ये जो ऐसे पाइप से लगे हुए हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो डीएनए का बनता है वो इन सीक्वेंस से बनता है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, जब आप इन सीक्वेंस को अरेंज करते हो एक सर्टेन, जैसे मान लो आप इमेजिन करो कि एक, जब स्कूल में आप पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में होता था क्या, थर्ड क्लास की लाइन, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स लाइन, जब प्रेयर होती थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, सारे लाइन बनती थी, एकदम सीधी लाइन बनती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट वाइज सब खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसमें उस, जैसे मान लो आप फिफ्थ क्लास की लाइन के सामने खड़े हो, तो आप काउंट कर सकते हो, अच्छा इसमें 30 बच्चे हैं, 30 के नाम आपको पता है। कैसे पता चला कि वो लाइन से एकदम से खड़े हुए हैं, तो आपको पता चल गया। इसी प्रकार से क्या होता है, डीएनए है, डीएनए के बहुत सारे स्ट्रक्चर, मतलब उसमें स्ट्रक्चर की बात करो तो बहुत सारी चीजें होती है, एडेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन ATGC जिसे हम बोलते हैं। जब आप उसको अरेंज करते हो, यू अरेंज देम, ठीक है, मान लो ATGC इस टाइप से आप उनको अरेंज कर रहे हो, अरेंज करते हो उस अरेंजमेंट के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा, इस प्रोसेस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें ये पता है कि अच्छा कोई जीन फंक्शन तो सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई जीन अगर मान लो इनएक्टिव तो नहीं है, या कोई जीन गलत एक्सप्रेशन तो नहीं कर रही है। और अगर आप पूरा ऐसा सीक्वेंस करके सारा डेटा कि आपको पता है कि अच्छा इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, तो सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में जान सकते हो। तो ये सब क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग। और जीनोम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उन सबको मिला दो, वो जीनोम बन जाता है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है उसका सम उसका जीनोम बनाता है। और उसको जब आप एक सर्टेन सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो उसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें, जानकारी जो है मिलती है। तो इसी जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लगभग 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स है सीक्वेंस करना है और डेटाबेस क्रिएट करना है। इसमें 20 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे मान लो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, बहुत सारे ऐसे जो है कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में, मतलब सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन जो है कैरी आउट किया जाता है, इज डन आउट ऑफ बाय द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और इसमें मेनली क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो 10,000 हम लोग हैं, उनका जीनोम आपने सीक्वेंस किया, तो आपके पास डेटा है, डेटा उन 10,000 लोगों के जीनोम से रिलेटेड है, उससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मान लो कोई किसी जेनेटिक बीमारी है उसको, तो उस बीमारी के बारे में आपकी जागरूकता या जानकारी उन जीनोम से मैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहली बार आप जब आप आंसर लिखते हो, ठीक है, तो आंसर लिखते हो तो आप कहते हो टॉपर की कॉपी मिल जाए, तो टॉपर की कॉपी को देख के और फिर अपना जो आंसर लिख देते हो, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हो, मैच कर रहे हो, अच्छा टॉपर की कॉपी इसने ऐसे ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो जो क्या होता है कि जो 10,000 आपके जीनोम आपने अरेंज किए उसका डेटा है, उससे आप कंपेयर करोगे। किसी मान लो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, तो आप देखोगे आपका मान लो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है तो आपका जो जीनोम है फिर उसी डेटाबेस से कंपेयर किया जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा जेनेटिक इशू तो नहीं है। तो ये एक तरीके से फैसिलिटेट आपका आपका होगा, तो एक प्रकार से ग्रिड का जो है काम आपका होगा। तो यहाँ पे
ये ह्यूज आप कह सकते हैं कि डेटाबेस आपका जनरेट होगा, और इसके माध्यम से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रुप है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे इसका एप्लीकेशन क्या है कि दवा बनाने में, बहुत सारी थेरेपीज की बात करें तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन काफ़ी हद तक रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका देखो, ये न्यूज़ में है, ये दोनों रीजन आपके न्यूज़ में है, तो इसको आप मैपिंग के माध्यम से थोड़ा सा देख लो, ये जरूर से देख के जाना। देखो, अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो ना, तो एक तो आप ये याद रखना कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसको जरूर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रीजन देखना, ब्लैक सी वाला जो इलाका है उसको भी देख के जाना, और जैसे साउथ पैसिफिक आइलैंड से उनको देख के जरूर से जाना। ठीक है, वो देख के जाना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो समुद्र है इसे हम मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन सी। ये आपका जॉर्डन है, ये आपका लेबनन है, ये आपका सीरिया है, ये आपका इसराइल है। तो ये थोड़ा सा देखा, जैसे मान लो लेबनन है, ये मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब आपको याद होना चाहिए कि मान लो कि ये वेस्ट बैंक है और इधर गाजा है, इधर से जॉर्डन रिवर बहती है, इधर जॉर्डन है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग, खास तौर से इजिप्ट का भी देखना, क्योंकि इजिप्ट के इस बार जो प्रेसिडेंट आए थे रिपब्लिक डे में, तो आप ये देखो कि मान लो रेड सी है या फिर स्वेस कनाल है, स्वेस कनाल जैसे इधर देखोगे तो स्वेस कनाल है, इधर नीचे रेड सी है, फिर इधर जाओगे तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी आ गया, फिर पीछे जाओगे आई थिंक गल्फ ऑफ एडन है। तो ये थोड़ा सा देखना, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, ये थोड़ा सा ऐसा सब देखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपके बनते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा एरिया जो न्यूज़ में है वो ताइवान वाला देखना। तो यहाँ पे जैसे मान लो क्यूरिल आइलैंड याद रखो, पिछली बार सेनकाकू आइलैंड आपसे पूछा था, ये जो इधर लोकेटेड है ना, तो मान लो ईस्ट चाइना सी, जापान सी, साउथ चाइना सी, ये याद रखो। फिर ये जो आइलैंड्स हैं इनको ध्यान रखो, ये हमारा अंडमान निकोबार है, इसको याद रखो। देखो ये सब चीज़ें क्या न्यूज़ में है, तो इसलिए जरूरी है जानना, ये ध्यान में रखना, ये न्यूज़ में रहती हैं जगहें, जो भी जगहें न्यूज़ में हैं तो आपको उस जगह का ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीलिम्स का दिया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर फोटोवोल्टेइक। इंडियन सोलर फोटोवोल्टेइक इंस्टॉलेशन आर डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी। ये स्टार्टिंग मैंने प्रश्न दिया था, इसका आप आंसर देना। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंदर ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं, सुबह 7 बजे आती है, मंडे टू सैटरडे होती है, तो आप लोग अगर 24 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 23 के बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे वो तो अपने प्रीलिम्स मोड में आ चुके होंगे, तो प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जरूर से गो थ्रू हो। तो यहाँ पे देखो, इंडियन सोलर फोटोवोल्टेइक इंस्टॉलेशंस आर डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट। इन इंडिया ओनली अबाउट 20% ऑफ द सोलर पीवी वेस्ट इज रिकवर्ड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड इनफॉर्मली। ये आपको करेक्ट बताना है, A1 and 2, B1 and 3, C1 2 and 3 and D2 and 3। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये क्या है, ये आपको अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या होगा इसका। मैं इसका प्रश्न देता हूं, उससे पहले आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे किस चीज का है, इस यूपीएससी मेगा बंडल का लास्ट डे है। तो यहां पे आपके पास बहुत अच्छा मौका, देखो आप जब अनअकैडमी से जुड़ोगे तो 6 मंथ आपको फ्री है। अभी 6 मंथ में देखो, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, आप 25 की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अल्टीमेट मौका है अनअकैडमी से जुड़ने का। अनअकैडमी से जुड़ोगे, जैसे अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओ, अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और उसमें कोड डालो SPLIV और ज्वाइन कर लो। जब ज्वाइन करते हो तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, एसे राइटिंग, जितनी चीज़ें पढ़नी होती सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। 12 महीने करोगे तो आपको 6 मंथ भी फ्री है। ठीक है, IAS के सब्सक्रिप्शन में 6 महीने भी आपको फ्री है। 8 लास्ट डेट है, कोड यूज करना है SPLIV, इस कोड का आप इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तो क्वालिटी ये प्रोग्राम है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो अनअकैडमी आपको पूरे तरीके से स्पॉन्सर करेगी। आप अपना जो है तैयारी ऑफलाइन में कर सकते हो अनअकैडमी के सेंटर पे जाके, और आपका रहना खाना सब कुछ जो है अनअकैडमी के द्वारा देखा जाएगा। फिर प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी, और प्रिंटेड नोट्स भी आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आंसर है जो आपको पोस्ट करना है, सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको आंसर क्वेश्चन दिया है तो उसका आप आंसर पोस्ट करना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, देख लो एक बार, स्कैन कर सकते हो क्या, या ये इस एड्रेस से आपको मिल जाएगा, सौरभ पांडे अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कल मैंने इसका माइंड मैप आपसे शेयर किया था। ठीक है, माइंड मैप होते हैं कि यही कंटेंट आपको प्रॉपर अरेंज्ड वे में और फ्लो चार्ट के माध्यम से रहता है, उसको माइंड मैप बोलते हैं, तो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो उसको जरूर से गो थ्रू होना। ठीक है, तो ये माइंड मैप कल मैंने 6 तक शेयर कर दिया, जनवरी फरवरी का भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा देखो, एडवांस बैच है ज्योग्राफी, ये कल से क्लास शुरू हो रही है, इसका प्राइस देख लो 899 है, आज आपके पास मौका है।
कल से, क्योंकि क्लास 7-9 बजे शुरू हो जाएगी, तो लगभग आप मानो 24 से 26 घंटे की क्लास है ये, और 150+ टॉपिक्स आपके कवर होंगे ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो ये कोर्स मेरे द्वारा ही है, मात्र 899 में, कोड डालोगे SPLIBE तो फर्दर ये 650 तक आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम अमाउंट है। 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको कोर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और अगर आप 24 ही कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जरूर से जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का दिया हुआ है, तो उसको आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, प्रश्न देख लो, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग, ये एप्लीकेशन लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है, बट आप कैसे इसको इनोवेटिव बना सकते हो कि एप्लीकेशन अगर जीनोम सिक्वेंसिंग का लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हुई हैं, संडे के सेशन में भी हमने कई डिस्कशन इस पर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जरूर से इसका, इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर से बनना। अनअकैडमी के अंदर ये क्लास है, लाइव क्लास है, ये भी ध्यान रखना, रिकॉर्डेड भी नहीं है, और इसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आज जो ऑफर चल रहा है ये वाला, अगर आप इससे जुड़ोगे तो वो कोर्स भी आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, तो ये आप लोग जरूर से ध्यान रखें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यूआईएस चैनल को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।